क्या आपको पता है मोबाइल के नीचे ये छोटा सा होल क्यों होता है या फिर ये कि अगर फोन को डायरेक्ट चार्ज करे तो क्या होगा जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें एप्पल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर किसी भी जीवित या फिर मृत व्यक्ति का फिंगरप्रिंट के बीच का अंतर बता सकता है पर कोई अन्य मोबाइल का सेंसर ऐसा नहीं कर सकता यही कारण है कि आईफोन एक यूनिक और स्पेशल ब्रांड है आप लोगों ने कभी ना कभी एग्जाम तो दी होगी जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाती है तो मैं आपको बता दू जापान के बच्चों को चौथी कक्षा तक कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती वहाँ चौथी कक्षा तक बच्चों को उनके मार्क्स के साथ तुलना नहीं करते क्योंकि वहाँ पढ़ाई से पहले समाज में लोगों को बच्चों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है ट्रिपल आर फिल्म में आपको जो झंडा दिखाया गया है वह भारत का पहला अनौपचारिक झंडा है इसे 1907 में मैडम हिगामी कामा और श्यामजी द्वारा डिजाइन किया गया था एस एस राजमौली अब भारत के पहले ऐसे फिल्म के निर्माता बन चुके हैं जिनकी दो फिल्मों ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया है सबसे पहले बाहुबली 2 और अब त्रिपाल ने अब तक का 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है क्या आपको पता है टाटा बाइक्स नहीं बनाती इसका कारण है कि एक दिन रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे उनके बगल में ही एक बाइक पर एक परिवार जा रहा था कुछ समय बाद आगे जाकर बाइक का एक्सीडेंट हो गया यह देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ और उन्हें पता चला कि दो पहिया वाहन इतना सुरक्षित नहीं है इसीलिए वो बाइक्स नहीं बनाते उनकी कंपनी का सुरक्षित वाहन बनाने का मकसद है रतन टाटा जी के लिए एक लाइक तो बनता है क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करें क्या फोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा या फोन फट जाएगा हमारे घर में एक फोन के साथ एक पार्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है जितना वोल्ट का चार्जर होगा फोन उतना ही फास्ट चार्ज होगा लेकिन अब तक सिक्सटी फोर वोल्ट तक का चार्जर सबसे फास्ट चार्जर होता है लेकिन हमारा स्विच बोर्ड 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती है अगर आप अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करोगे तो आपके फोन में चार्जिंग तो दिखाएगा लेकिन आपका फोन चार्ज नहीं होगा क्या आपको यह फैक्ट पता था कमेंट में लिखना ना भूले क्या आपको पता है एफिल टावर में रात को फोटो नहीं खींच सकते रात में एफिल टावर की फोटो खींचना गैर कानूनी है फोटो खींचने के लिए वहां के संचालकों से इजाजत लेनी पड़ती है दरअसल एफिल टावर पर लगी लाइट का डिजाइन उनके कलाकारों की कॉपीराइट है यूरोप के कॉपीराइट कानून के मुताबिक कॉपीराइट वाली चीजों की तस्वीर खींचना नियम के खिलाफ है क्या आपको पता है मोबाइल के नीचे ऐसा छोटा सा होल क्यों बना होता है तो मैं आपको बता दूं दरअसल यह एक नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन होता है जो कि कॉलिंग के दौरान एक्टिवेट हो जाता है इस माइक्रोफोन का काम अपनी कॉलिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना होता है जब आप किसी कॉल पर बात कर रहे होते हैं तब आपके पास काफी शोर हो रहा होता है लेकिन सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई देती है ऐसा होने के पीछे इस छोटे से माइक्रोफोन का हाथ होता है क्योंकि यह सिर्फ बेहद पास मौजूद व्यक्ति को ही ट्रैक करता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले